चार महीना पानी में डूबल रही ले सब, लेकिन सरकार के ऊपर कोनो ध्यान ना दे रहा है। वोट लेने के लिए खाली लोग आता है, कहता है कि यहाँ पुल बनेगा पुल बनेगा पुल बनेगा, आता है ना भी कहता है जाता है, वोट मिल जाता है उसके बाद किसी का था पता नहीं होता है। वादा का तो झड़ी लग जाता है, लेकिन तीन महीना चार महीना बाद के बाद में लोग आएंगे, इसके बाद में चले जाते हैं सब, ठंडा बरसा में चले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं बन पाता। नापी होता है, सामान आता है, अफसर लोग आते हैं, घूम घाम कर चले जाते हैं और पुल का कोई पता नहीं है। अभी बहुत जोर शोर से भर लग के अब पुल बन जाए, हमने के बहुत खुश रहनी है, लेकिन फिर वे निराशा हाथ लगल हमने के। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको चंपारण शो। अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज अनुमंडल स्थित गोविंदगंज धाम गोविंदगंज गांव में उपस्थित बनी। अभी जौन की छोटा सा एक सड़क मार्ग देख रहा बनी, इस सड़क मार्ग जौन की बा मुजफ्फरपुर हाजीपुर वाला रोड से कट करके जौन की बा गोपालगंज जिला खातिर जाए खातिर जौन की बा बनावल बा, लेकिन काफी आज लगभग 20 साल से गोपालगंज जिला के जोड़े खातिर पुल बनावक बा। जौना पुल के लेकर के लगातार जौन की बा 20 साल से हरेक साल यहाँ पर नापी होला, जब बाढ़ के टाइम आकर के बाढ़ खत्म हो जाला बाद यहाँ पर नापी चालू हो जाला, और जब फिर बाढ़ आ जाई फिर बाढ़ खत्म हुई फिर नापी चालू हुई, लेकिन यहाँ के जनता के अभी तक वो पुल और अभी तक वो सड़क पर चले के मौका ना मिलल। सहयोग नहीं चाहिए, पुल चाहिए हम लोगों को, आवागमन का सुविधा रहेगा तो हम लोग जी जाएंगे, हम लोग ठीक से रहेंगे, किसी प्रकार का असुविधा हमको नहीं होगा, व्यापार का कोई हिसाब किताब नहीं है। चाचा नापी होता ही है लेकिन फिर पुल नहीं बन पाता। नापी होता है, सामान आता है, अफसर लोग आते हैं, घूम घाम कर चले जाते हैं और पुल का कोई पता नहीं है, सामान आता है गिरता है, ये होता है वो होता है, सामान गिरने के बाद उठाकर भी चला हाँ चला जाता है, सामान गिरता है उठाकर चला जाता है, उसके बाद में फिर कोई आता है फिर वैसे बोलता है कहता है सुनता है, या कोई पता नहीं, कोई आता पता नहीं है उसका, धूरा झोंके काम हो रहा है। हाँ यहाँ से करीब करीब 20-25 बार लोग आके नापी कई लो, लेकिन आज तक ले भी पुल के कोनो भी निर्माण होके के समय में ना काम हो सकल, आगे हमने के इंतजार करत भी रह गए नी, पूरा जनता लोग हमने के सब कोई खड़ा बानी, बार बार यही नहीं लोग आवेला हमने से स्टेटमेंट लेवेला और फिर स्टेटमेंट लेके चल जाला, ना ही सरकार सुनेला, ना कोई पब्लिक सुनेला, ना विधायक सुनेले, ना सांसद जी सुनेले, आ हमने का हमेशा जो से 4 महीना बाढ़ के क्षेत्र में है, 4 महीना पानी में डूबल रही सर, लेकिन सरकार के ऊपर कोनो ध्यान ना दे रहा है। यहाँ से गोपालगंज जिला के दूरी मात्र 3 किलोमीटर बा, अगर चालू हो जाला अगर 3 किलोमीटर के बीच में भी अगर एक पुल पुलिया यहाँ बन जाए तो हमने के 50 किलोमीटर के दूरी गोपालगंज जाए के कम हो जाए, ऐसे यहाँ से नेपाल जाए के भी दूरी 50 किलोमीटर बा, रक्सौल के गोरखपुर के दूरी के भी यहाँ से 60 किलोमीटर बा, लेकिन हमने के दूरी मोटा मोटी 200 किलोमीटर जाए के पड़ेला घूम के, तो आवे जाए में यहाँ के जनता के बहुत परेशानी होला। अब एमे हमने के साइड से मांग बा कि जैसा शीघ्र यहाँ से पुल बनावल जाए कि हमने के आवागमन के साधन सुगम हो जाए, जमना से यहाँ के जनता का लाभ मिले। अच्छा चाचा कितना बार बोलेंगे सो वादा भले पुल के वादा पर कितना बार बोल कर, कर, कर 20 बार विधायक भी आश्वासन दे ले, राजू तिवारी जी सुनील मणि तिवारी जी अभी वर्तमान विधायक बनी, यहाँ का भी कहनी कि जैसा शीघ्र हमने का बाढ़ के स्थिति में यही तो बोलनी कि पुल बनी, लेकिन यहाँ पर पुल के कोनो कार्रवाई ना भइल। अभी अभी एक महीना पहले भी कुछ लोग आई रहे पुल बनवावे के समय में बात भइल, हमने के कुछ आशा जागल कि अभी यहाँ भी पुल बनी, लेकिन जो लोग आवेला जब चुनाव आवेला सब लोग वादा करेला, बाद बीच में कभी नापी होला लोग आवेला जाला, फिर 2 महीना 4 महीने के बाद में सब ठंडा बस्ता में चल जाला। कहे का मतलब बा कि यहाँ से मंगलपुर के दूरी 25 किलोमीटर, डुमरिया पुल भी यहाँ से 25 किलोमीटर बा, दोनों के दूरी बराबर बा, जबकि यही जब खजुड़िया से डुमरिया पुल से ढेकहा पुल 11 किलोमीटर पर बन गई बा, हमनी के 30 किलोमीटर पूर्व बा 30 किलोमीटर पश्चिम में कोनो पुल के व्यवस्था नहीं के, यहाँ अत्यंत पुल के जरूरी बा। बहुत लोग राधा मोहन सिंह MP से लेके राजू तिवारी सुनील मणि विधायक से लेके टोटल लोग बाढ़ का समय में आवेला कहेला कि लोगों के पुल बनी नापी 20 बार भइल, लेकिन आज तक ले लोग कहूँ कोनो विचार ना कैलक, बाढ़ का समय में आके हमने के आश्वासन दिला हमने जानी ले कि पुल बनी, फिर 4 महीना बाढ़ जब समाप्त होला 8 महीना केहू से भेंटना होला
होला। अच्छा कुछ दिन पहले हमनी के सुनने के मिलल चाचा पेपर के माध्यम से कि गोविंदगंज पुल जौन बा राजमार्ग बने वाला बा, पुलिया निर्माण जौन की कुछ ही दिन में चालू होके वाला बा। जी जी जी, तो हमनी के पेपर के माध्यम से कितना बेर मिलल, यहाँ तक ले कि अगर PDR भी मिल के पेपर में छप रहे, एमे 7 गो पायर है और प्लस पुल के दूरी 4.कुछ किलोमीटर बा, ओकर भी टोटल बायोडाटा बन के आज से 2 साल पहले पेपर में भी छप के निकल रहे, जौना के पेपर के कटिंग लगभग बहुत लोग का लगे हुई। वो आशा पर हमने झूल रहल बानी जे आज हुई बिहान हुई, आज हुई बिहान हुई, लेकिन कोनो पर सरकार के व्यवस्था नहीं के, ना लालू प्रसाद जी के सरकार है तो भाई, ना नीतीश जी का सरकार के, मतलब दोनों आदमी के सरकार में कोनो काम ना भाई, कोई का काम, कोई का सरकार में आज तक ले एकर कोनो ई ना भइल। अब आगे देखिए केकर सरकार बनत, मतलब यहाँ के बचपन से लेकर के और बुढ़ा भी गईनी, लेकिन अभी तक पुल के दर्शन ना भइल। लालू यादव जी के सरकार होके चाहे नीतीश कुमार के सरकार होके, बहुत नजदीक है गोपालगंज जी, नेपाल का भी है सीधा जाने आने का, हाँ सीधा राय जो भी है रोड है, आने जाने का भी ना, यहाँ पुल के तो बहुत जरूरी है, पुल के आवश्यकता है। युवा लोग भी कुछ बा, युवा लोग से भी कुछ बात कर जाओ, ये पुलवा बन गईला से का फायदा बा हमनी के बताओ जा भैया। बहुत फायदा हो जाए, जैसे कि हमारे चाचा कहने लोग हमारा से ज्यादा वहाँ लोग का अनुभव, वहाँ लोग देखले बानी, जैसे वहाँ कहने की 30 किलोमीटर के अंदर एगो पुल चाहिए, वो टेक्निकली चाहिए, तो जैसे 30 किलोमीटर के अंदर एगो पुल गवर्नमेंट के भी देखे के चाहिए कि यहाँ जरूरी बा, जरूरी बा। हमनी के जब से जन्म भइल बा तब से तो सुनत आई सके यहाँ पुल बनी बनी, आ अभी तक कोनो ओकर सुनवाई नहीं के, पेपर कटिंग के चाचा कहनी के और सबके लगे, सबके लगे पेपर कटिंग बा, लेकिन पुल यहाँ पास होला अभी बहुत जोर शोर से भर लग के अब फिर पुल बन जाए, हमनी के बहुत खुश रहनी है सर, लेकिन फिर वह निराशा हाथ लगल हमनी के कुछ ना कर पाए। कितना दिन पहले भैया जांच होकर, 3-4 महीना पहले हो गई रहा, अभी बाढ़ आई रहा फिलहाल, यहाँ बाढ़ के पहले पहले सब जाँच भई रहे, फिर बाढ़ आई तो सबसे बाढ़ के बाद हम ना रहनी, लेकिन बाढ़ के बाद भी आई रहे लोग, तो ऐसे कुछ सब निराशे हाथ लगाता, ये तो लगे लगी हाँ पुल पास हो जाए बन जाए, लेकिन कुछ ना, मतलब कान में सुने में आवेला लेकिन आँख से देखेला, कान में तो हर साल, हर एक साल सुने का जोड़ लगाई इन न्यूज के, ताकि यहाँ पुलिया निर्माण हो जाए, हर एक बार नापी होला, हर एक बार सामान भी गिरेला, मटेरियल गिरला के बाद फिर उठ के कहाँ चल जाला, ये पर सबसे बड़ा हमनी के ध्यान दोगे बा। और झलको चंपारण चैनल लगातार ये पुल खातिर आवाज उठावत रही, जब तक यहाँ पर पुलिया निर्माण ना हुई तब तक झलको चंपारण लगातार ये बारे में आवाज उठाई, न्यूज के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, और ये पुल बनावे में ये क्षेत्र के युवा लोग से सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए कि झलको चंपारण चैनल के माध्यम से अपने लोग थोड़ा न्यूज के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, ताकि हर एक जनप्रतिनिधि के पास तक, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक, और हमारा देश के श्री नरेंद्र मोदी जी जो उनके प्रधानमंत्री बने वहाँ के पास तक भी पहुँचावल जाओ, कि बिहार पर सबसे ज्यादा ध्यान दियाओ, सबसे ज्यादा पीछा इस समय बिहार ही बा। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।